गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के सब बढ़िया बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या एक बार आप कमेंट्स कर दो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप एक बार कमेंट्स कर दो उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं सभी लोगों का स्वागत है भाई सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में कैसे हो आप सब लोग बताइए ऑडियो वीडियो क्या आप लोगों को तक बराबर पहुंच रहा है बढ़िया चलिए 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 ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लोगों तक बराबर पहुँच रहा है ठीक है ऑडियो तो है क्लियर है ओके चलिए भाई आज का क्लास स्टार्ट करते हैं है ना तो बहुत इम्पोर्टेंट आज का भी क्लास है तो आज हम टारगेट सीरीज में 19 तक पहुंच चुके हैं और इससे पहले जो झारखंड में वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है बहुत अच्छी वैकेंसी है है ना जैसे आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट में भी देखो वैकेंसी अब आना स्टार्ट हो गया है ना तो इसके लिए आप इंतजार मत कीजिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ देखो अगर तीन महीना या चार महीना आपके पास समय मिलता है है ना सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके बाद हम क्लास तो स्टार्ट करेंगे तीन महीना या चार महीना आपके पास समय मिलता है तो आप ज़्यादा हाइपर मत होइए समझ में आ रहा है जितना आपने पढ़ा है जितना आपने कॉलेजेस में पढ़ा है अब अगर आप सोचिए कि तीन साल का सिलेबस है ना अगर मैं भी एक बार अभी जैसे ग्रुप फाइव का हम तैयारी करा रहे थे तीन महीने में हमें बहुत शॉर्ट सिलेबस हमने कंप्लीट कराया है ना तो तीन महीने में आप कोई पहाड़ नहीं उखाड़ सकते हो आप अगर कहीं से कोई कोर्स जैसे मैं भी अगर बोलूँ कि भाई एक साल का मैंने कोर्स कराया है और वो आप परचेस करके आप पढ़ लो पूरा का पूरा कवर नहीं हो पाता है ठीक है तो आप उतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है जितना आपके पास कंटेंट है जितना आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़िए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं सर ऑनलाइन कोर्स आप पढ़ा दीजिए सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए नहीं हो पाता है ना आप सिलेबस भी अगर इसका देखेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट बी या डी का सिलेबस उसमें डाल करके रखा हुआ है समझ आ रहा है तो पूरा का पूरा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है इसीलिए बोला जाता है कि भाई साल भर से आप मेहनत कीजिए कब कौन सा वैकेंसी कौन से स्टेट में निकल जाता है आपको मालूम नहीं चल रहा होता है जैसे आप झारखंड की वैकेंसी आपने देख लिया ठीक है हो सकता है आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपके स्टेट में वैकेंसी आएगा जैसे एमपी की अगर हम बात करें तो अभी नई सरकार बन चुकी है ना नया सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार ही है लेकिन नया मुख्यमंत्री यहाँ पर बना हुआ है तो वो भी अभी जैसे स्वास्थ्य मंत्री नया बन चुका है ठीक है तो वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं हमें भी न्यूज़पेपर में हम भी पढ़ते हैं तो जानकारी मिलते रहता है तो उससे क्या मालूम चलता है कि भाई उन्होंने भी ये पूरा डाटा मांगा है कि कहाँ पर कौन कौन सी वेकेंट वैकेंसी खाली हुई है है ना चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या पैरामेडिकल फील्ड हो तो सब जगह का जो है जानकारी अभी मांगा गया है कलेक्ट किया गया है उसके हिसाब से क्या होगा आने वाले समय में वो वैकेंसी निकालेंगे समझ में आ रहा है तो अभी एमपी वाले सो रहे होंगे कि भाई जब वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है दो महीने आपको समय मिले और आपके उसके बाद क्या हो जाए एग्जाम हो जाए ठीक है तो इस तरीके से आपको नहीं करना है आप पहले अब जैसे झारखंड वाले है ना कई लोगों को पता होगा अगर पहले से तो ठीक है उन लोगों ने तैयारी कर रखो लेकिन नहीं पता होगा अचानक से वैकेंसी आया देखा अरे भाई वैकेंसी आ गया अब क्या करें तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं हो पाता है समझ आ रहा है इसलिए जो है पहले से आप लोग पढ़िए ताकि आपका तैयारी बेहतर तरीके से हो सके ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर देखो वैकेंसी अगर हम प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करते हैं यार तो देखो झारखंड वालों की वैकेंसी देख लो तो 636 है ना टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 636 पोस्ट है झारखंड से कोई है क्या एक बार कमेंट्स कर दो अगर मैं देख सकता हूं तो है ना रिप्लाई कर देंगे बाकी बातचीत भी हम आ, बाकी आप लोगों से करेंगे टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा है ना वहाँ पर आप मैसेजेस कर सकते हो हमें अभी तो लाइट का थोड़ा सा इशू है मैं लाइट क्लियर कर दूँगा ताकि चेहरा वगैरह भी क्लियर आए है, है ना झारखंड से कोई है मुझे देख रहा है है ना झारखंड से भी हमारे एम सी बुक्स के ऑर्डर आने लगे हैं मैं देखो किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ आपको चाहे हमने एम का बुक्स भी ये आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैं कभी नहीं बोलता कि यार इससे पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा समझ में आ रहा है कभी नहीं बोलता ये केवल प्रैक्टिस के लिए है कई सारे लोगों को गलत फहमी है मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने ले रखे हैं ऑर्डर कर चुके हैं उनके पास पहुँच भी चुका है इसमें ओल्ड एम के पेपर हैं केवल है ना हर स्टेट के और सेंट्रल के ओल्ड एम पेपर हैं इसका मतलब क्या होता है आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो है ना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं कैसे आते हैं कैसे पूछे जाते हैं उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो गलत फहमी मत रहिए कि इसको पढ़ करके आपका सलेक्शन हो ही जाएगा ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे हाँ क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं ऐसे नहीं कि रिपीट नहीं होते होते हैं क्वेश्चन रिपीट लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना है ठीक है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आइडिया लगता है आपको और आपका प्रैक्टिस होता है जो आप पढ़ते हो थ्योरी में वो सारी चीज़ें आप क्या करते हो इससे सीखते हो है ना वही चीज़ हम क्वेश्चन एम सी में भी कराते हैं तो इस गलत मत रहिए है ना कि हम इसको आपको ये आपकी नीड है ना आपकी ज़रूरत है आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो बाकी हमें ये फोर्सफुली नहीं है कि आप लो ही इसको समझ में आ रहा है हाँ तो इस गलत फिलहि में आप मत रहना जो कुछ है मैंने क्लियर कर दिया झारखंड से बहुत सारे लोग हैं एमपी वाले भी हैं बहुत सारी वैकेंसी है भाई सारा जो अभी डाटा है वो कलेक्ट कर लिया गया है है ना मंत्रियों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सब कुछ डाटा कलेक्ट है तो जैसे ही उनको लगेगा कि भाई अब वैकेंसी निकालना है अब जरूरत है हमें क्योंकि स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग बनाना है इनको है ना और विकसित भारत संकल्प यात्रा चली रहा है आप लोगों को पता होगा है ना सारे पूरे देश भर में चल रहा है इसका मतलब ये है कि अपने देश को विकसित बनाना विकसित कब बनेगा तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो स्वास्थ्य है ना शिक्षा और स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य का भी मजबूत बनाना है उसके लिए क्या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए तो वैकेंसी तो फिल होगा तो ये इस माइंड से आप चलो चाहे किसी भी स्टेट से हो इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप ये मान के चलो कि स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है मजबूत बनाने के लिए भाई हर एक फील्ड में प्रॉपर तरीके से सारे वर्कर्स होना चाहिए काम करने वाले होने चाहिए तभी जा करके प्रॉपर तरीके से सेटअप होगा काम होगा बेहतर होगा समझ आ रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ही है तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे बताना था और वैकेंसी आप देख लो सिक्स थ्री सिक्स जो यहाँ पर पोस्ट है है ना ये आप देख सकते हो तो बहुत बढ़िया है अगर ये फॉर्म अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है उसके बारे में भी हम बता देंगे तो ये कुछ था और इसके सिलेबस की अगर आप बात करोगे ना तो सिलेबस कम्प्लीट है इसमें है ना और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ा करो बहुत सारे सवाल आते हैं क्या जानकारी है सर कैसे भरेंगे क्या होगा है ना कौन से स्टेट वाले भरेंगे स्पष्ट यहाँ पर सारी चीज़ें मैंसन कर दी जाती है कि भाई आपको पैरामेडिकल काउंसिल झारखंड का चाहिए है, है ना अगर वो आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ देखो अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के सिलेबस की बात करोगे तो सारा का सारा सिलेबस देखो यार पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ पर दिया गया अभी मैं एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा थोड़ा सिलेबस को आप देख लो है ना कैसे सिलेबस देता है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बी एम पूरा सिलेबस आप करिए देखो सेल टिशू ब्लड है ना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आप सोचो इतना सिलेबस कोई तीन महीने चार महीने में नहीं करा सकता ना ना आप कवर कर पाओगे बस ये है जिनका पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से आप नई चीज़ें पढ़ोगे एक पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे ऐसा होता भी है रेस्परेटरी सिस्टम सारे सिस्टम इसमें इंक्लूडेड हैं आप ये देख लो है ना पूरे के पूरे ये सिस्टम आपके बेसिक बायो केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री में सारा का सारा सिलेबस है कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है समझ आ रहा तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप देखो बायो केमिस्ट्री के सिलेबस देख लो पूरा केमिकल बैलेंस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट मोलिकुलर वेट एटोमिक वेट ये सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है थोड़ा सा हम समझ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा वेट कीजिएगा है ना एमिनो एसिड है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है मेटाबोलिज्म देखिए केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स रिलेटेड मेटाबोलॉजी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सारा कुछ दिया हुआ है क्या छोड़ा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, है ना हेमाटोजी क्लिनिकल पैथोलॉजी भी देख लीजिए क्लासिफिकेशन एनीमिया पूरा पढ़ना है बोन मैरो ल्यूकेमिया ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड कलेक्शन एंटीकोगुलेंट यूज हेमाटोलॉजी नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमटोलॉजी पूरा का पूरा सिलेबस रखा है भाई कैलकुलेशन देखो प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म कैसे करते हैं यहाँ से क्वेश्चन हमने बहुत सारे कराए हुए हैं स्टेनिंग यूज हेमेटोलोलोलोजी में स्टेनिंग से सवाल पूछे जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखो मार्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स बोन मैरो लेबोरेटरी मेथड्स यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन एनीमिया पूरा का पूरा आ जाएगा सिलेबस क्लिनिकल पैथोलॉजी भी देख लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोलता हूँ यूरिन पढ़ना ही है है ना बॉडी फ्लूड्स सेल्स काउंट केमिकल फिजिकल माइक्रोस्कोपिक सारे सीमन एनालिसिस सी एस एफ स्टूल एग्जामिनेशन पूरा सिलेबस है इसमें माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भूलता है यहीं पर है स्टूडेंट है ना एक बैक्टीरिया पढ़ता है वायरस पढ़ता है दूसरा भूल जाता है तो ये चीज़ें होती है ना तो ये सब चीज़ें हैं सिलेबस आप देख लो है ना कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है हम तो एम सी या थ्योरी क्लासेस के दौरान आपको कराएंगे बाकी आपकी डेडिकेशन के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो समझ आ रहा है आपके ऊपर है सारा खेल मुझे कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा पढ़ाई अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो ठीक है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है आप इसका आंसर कीजिए क्या आएगा म्यूजियम टेक्निक मैं बार बार पढ़ा चुका हूं है ना और बता चुके हैं कि भाई म्यूजियम टेक्निक आपको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से सवाल बनता ही बनता है म्यूजियम टेक्निक से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये भी आपका म्यूजियम टेक्निक के ऊपर है तो अब आप, आप देखोगे कि म्यूजियम टेक्निक में क्या पूछा है फ्लूट प्रेफर्ड फॉर स्पेसिमेन माउंटिंग इज फ्लूट जो प्रेफर्ड किया जाएगा स्पेसिमेन माउंटिंग के लिए है ना तो जैसे आप इसमें पढ़ते हो क्या है म्यूजियम टेक्निक में तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होता है फिक्सिंग का होता है, है ना फर्स्ट आपका फिक्सिंग का होता है दूसरा होता है आपका कौन सा रिस्टोरेशन है ना रिस्टोरिंग कलर तो ये सारे स्टेप आप लोगों को पता होगा कई बार हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद माउंटिंग होता है लास्ट जो स्टेप आपका कौन सा होता है माउंटिंग है ना माउंटिंग फ्लूट होता है तो ये तीन स्टेप होते हैं तो अब आप आपको बताना इसमें से कौन सा जो है माउंटिंग के लिए किया जाता है फ्लूट प्रिफर्ड फॉर स्पेसिफी बहुत आसान सवाल है इसका आंसर तो सभी लोग कर सकते हैं चलिए भाई फटाफट आंसर करो इसका क्या होगा आंसर तो बहुत जरूरी जानकारी फटाफट हमने दे दिया है है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी बाकी लोग भी कमेंट्स करते जाओ यही है आप कंपटीशन इसी में होगा आप कमेंट्स देखते जाओ कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं कितने लोग गलत कर रहे हैं इससे मालूम चलेगा कि हाँ भाई आप कितने सही हो है ना आप कितने गहरे पानी में इसका मालूम चलेगा सब लोग कर रहे हैं सबको पता है भाई ठीक है तो सीरियल क्रमांक सही है यार वन है तो फिक्सिंग है ना टू है तो ये है थ्री है तो ये है इस तरीके से आप कर सकते हो तो माउंटिंग के लिए आपसे पूछा गया था ठीक तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है भाई राइट right आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है करेक्ट है कैसे लेंगे थर्ड दूसरी चीज इनके कंपोजिशंस आप लोगों को पता है अभी कंपोजिशंस में से भी सवाल आएगा तो कंपोजिशंस अगर आपको नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कंपोजिशंस के ऊपर भी सवाल अभी आने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बहुत बढ़िया देखो अगला सवाल मेरे ख्याल से वही है कंपोजिशंस के ऊपर बहुत बढ़िया अब बताओ अब अगर आपने कंपोजिशंस पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप कर सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा है केसरलिंग फ्लूट सेकेंड है ना सेकेंड से क्वेश्चन नंबर पूछा है कि भाई केसरलिंग जो आपका फ्लूट सेकेंड होता है हैज़ फॉलोइंग रिएजेंट एज वन ऑफ द कंपोजिशन है ना उसमें जो है केसरलिंग फ्लूट टू में आपको इनमें से कौन सा कंपोजिशन देखने को मिलता है मेथाइलिन एल्कोहल है सॉरी मेथाइल एल्कोहल है एथाइल एल्कोहल है उसके बाद ईथर है उसके बाद एसिटोन है चार ऑप्शन आपके पास हैं जल्दी से आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चलिए इसका आंसर बताइए देख लेते हैं कितने लोग सही कर रहे हैं आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर देख लेते हैं कितने सारे लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया भाई किसी ने परसेंटेज सहित बता दिया है वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार सब लोगों का आंसर आ रहा है कुछ का आंसर गलत है कुछ का तो ऐसा मत करो है ना आंसर आपके सही आने चाहिए तो केसलिंग आपको जो है किसका सेकंड का पूछा गया था ना एथाइल एल्कोहल बिल्कुल एट्टी परसेंट एथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है कितना परसेंट एट्टी परसेंट है ना तो एथाइल एल्कोहल जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एथाइल एल्कोहल एट्टी परसेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है हाँ तो ये तो आपको केसलिंग सेकेंड में आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन वन जो है इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं कैसलिंग वन सॉल्यूशन में तो उसके ऊपर भी सवाल बनेगा आप लोगों को आंसर करना है फॉर्मलिन होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है पोटेशियम एसिटेट होता है तो ऐसे बहुत सारे कंपोजिशंस उसके वन के होते हैं ना तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए रेगुलर क्लास कितने बजे से होगी विशाल भाई कोशिश करेंगे है ना जितना समय मिल सकता है उतना आप लोगों को देने का एम सी क्यूज क्लास हो सकता है थ्योरी क्लासेस भी आएँ तो कोशिश तो हमारा पूरा रहेगा आप लोगों को सपोर्ट करने का बाकी हमारे समय के ऊपर भी रहता है ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कुछ नहीं है तो याद करने वाली चीज़ें आपको याद करना है ना हाँ वन में कौन कौन से होंगे टू में कौन सा होगा देखो अब आ गया देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन वही आ गया जिसका इंतजार था कंपोजिशन ऑफ केसर लिंग फ्लूट वन इज ऑल एक्सेप्ट है ना केसर लिंग वन में जो है अब मैंने खैर इससे पहले मैंने नाम ले दिया था जिन लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल शार्प होगा वो उन लोगों ने को याद हो गया होगा मैंने क्या क्या बोला था अब यहां पर एक्सेप्ट वाला आंसर देना है आपको एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट है ना तो इनमें से जो नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा वन का कंपोजिशंस नहीं है वो आपको बताना है तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर थ्री गलत नहीं करना यार है ना बहुत सारे लोग डी पे जा रहे हैं सी पे जा रहे हैं क्या हो रहा है भाई इसमें क्यों कंफ्यूजन है कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कोई कंपोजिशन सारे के सारे बता देगा है ना कोई अगर होनहार स्टूडेंट है पढ़ा लिखा है अच्छा पढ़ रहा है तो कोई सारे के सारे कंपोजिशंस बता देगा क्या अगर बता देगा तो बता सकते हैं है ना मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप सब लोगों के बता सकते हो तो अच्छी बात है बता दीजिए केसलिंग वन का कंपोजिशन सारा का सारा कौन बता रहा है सेस हमारा रहेगा या तो एक दिन छोड़ करके क्लास हो है ना अब भी मैंने बताया था यार कुछ दिन पहले फॉर्मुल तो है है ना ऑप्शन नंबर ए जो दिया है फॉर्मुल तो होता है ठीक है और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम एसीटेट ये भी मैंने नाम लिया था अगर आप लोगों को पता होगा तो और वाटर तो है ही है ना वाटर होता है तो ये भी एक है ठीक है तो पोटेशियम एसीटेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये दोनों के दोनों कंपोजिशंस में आते हैं तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो एसीटेट दिया गया है ये आपके कंपोजिशन में नहीं आता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कौन सा हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है ठीक है बाकी कंपोजिशन आपका फॉर्मुलिन में पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम एसिटेट उसके साथ साथ आपका वाटर भी होता है क्लियर है बहुत बढ़िया हजारीबाग झारखंड से भी हैं वेलकम भाई स्वागत है झारखंड वाले बहुत अच्छी वैकेंसी है यार है ना मौका मिला है मौका जाने मत दो ले लो रेगुलर जॉब बहुत कम आते हैं आप लोगों को पता होगा एक बार मौका मिला है जाने मत दो बढ़िया मेहनत कर लो रगड़ के और निकाल लो एग्जाम निकाल लो भाई एग्जाम निकाल लो है ना सी इज राइट आंसर वेरी गुड शानदार चलिए अगला देख लो तो इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है भाई अगला क्वेश्चन वट इज द थिंक विच मस्ट बी रिमेंबर्ड वाइल मैन्युपुलेटिंग ए टेस्ट ट्यूब ऑफ ब्लड है ना तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सही होगा जब आप टेस्ट ट्यूब अगर ब्लड है उसको मैन्युपुलेट कर रहे हो है ना तो इसमें कौन सी बात को आपको ध्यान में देना है ये आपसे पूछ रहा है ठीक है अब आप सेंटेंस पढ़िए ये भी ऐसे क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना अगर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा आप स्क्रीन अपने मोबाइल का बड़ा कर सकते हो ठीक है सेंटेंस आप पढ़ सकते हो तो व्हाट इज द थिंक विच मस्ट जो आपको ज़रूरत है याद में रखना है जहन में जब आप ब्लड जो आपके टेस्ट ट्यूब में ब्लड है उसको जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो है, हैंडल कर रहे हो सीधी सी बात है अगर अदला बदली भी कर रहे हो एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हो तो कौन सी बात का आपको इसमें ध्यान देना है ये आपको बताना है समय फार्मेसी एंड डिमेट्री दोनों की झारखंड के कौन सा बनना सही होगा भैया देखो जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं उसमें आप देख लो है ना आप किस कैटेगरी में आते हो वो भी आप देख लो और आपके चांसेस किस में ज़्यादा बन सकते हैं वो आप देख लो उस हिसाब से आप भर दो आपके ऊपर है वो तो आपको पता होना चाहिए इसको आप प्रैक्टिकल सवाल भी बोल सकते हो कॉमन सेंस वाली सवाल भी बोल सकते हो ना प्रोटेक्शन नॉट नीडेड अनलेस ट्यूब इज लेवल्ड एड्स पॉजिटिव गलत सेंटेंस द ओनली प्रोटेक्शन नीडेड इज टू वेयर कोट क्या केवल कोट पहनने की जरूरत है कोट बस पहन लोगे तो हाथ में क्या करोगे ना तो ये भी सेंटेंस कोई मस्ट वेयर एटलीस्ट लैब कोट एंड ग्लब्स है ना तो लैब कोट और ग्लव्स जहां पर ग्लब्स आ गया आप हाथ से ही हैंडल करोगे उसको और कोट भी पहनना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर ना आ जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर सी डी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि सी पढ़ करके खत्म कर दो मैं बार बार बोलता हूँ है ना यूनाइटेड टू यूज बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की जरूरत नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आता है कॉमन सेंस वाला कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा है ना तो इस तरीके से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा जितने लोगों ने सी किया है बहुत बढ़िया भाई झारखंड वाले बहुत सारे लोग आ गए जब वैकेंसी आ गए तब सब निकल निकल के आ रहे हो क्या बात है भाई है ना बहुत अच्छी बात है चलो अच्छी बात है ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब शानदार क्वेश्चन भी कह सकते हो और दूसरा चीज़ आप इसको अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और साधारण क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है आंसर करिए बी एम स्टूडेंट यूपी से हैं शिवम बहुत बढ़िया भाई स्वागत है ए के सिंह भी हैं नंदन नववेद सौरव किन लोगों ने हमारे एम बुक मंगवाया है किसी ने मंगवाया यहाँ जो लाइव क्लास देख रहे हैं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बताओ जिनने मंगवाया है बढ़िया है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आसानी हो रहा है झारखंड वाले सबका स्वागत है भाई शहनाज रवि श्रेया नवदीप महेश सुदीप अर्चना यादव आशीष अंजली नोटिफिकेशन नहीं आता यार कई बार क्या करें आधा घंटा लेट हो गए सॉरी कोई बात नहीं गणेश भाई कई बार नोटिफिकेशन नहीं देता यूट्यूब ना विशाल ने मंगवाया बहुत बढ़िया अभी तक नहीं आया आ जाएगा भाई सहनाथ जी थैंक यू चलो फटाफट कर लेते हैं क्या पूछ रहा है अरेंजमेंट ऑफ ग्लोबिलियन चेन फीटल हीमोग्लोबिन एच बी एफ है ना एडल्ट का नहीं पूछा है कंफ्यूज मत होना एडल्ट का अगर पूछेगा तो टू अल्फा और टू बीटा ये तो आप याद रख लो यार है ना ये एडल्ट का है तो एडल्ट का तो आप सब लोगों को पता होगा कि एडल्ट एच बी में जो है आपको टू अल्फ़ा और टू बीटा देखने को मिलता है अब अब अगर आपके फीटल की बात किया है ना टू अल्फ़ा और टू जाम ये आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जितने लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सब ने किया है ना राइट आंसर कोई गलत तो नहीं कर रहा है कि डी पे कौन जा रहा है क्वेश्चन नहीं यार देख रहा है क्वेश्चन तो सबको देख रहा है भाई क्वेश्चन देख रहा है ना सबको थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो ना क्वेश्चन तो मैं मैं भी खुद देख रहा हूँ मोबाइल से मुझे तो क्लियर दिख रहा है ठीक है देखो मैं भी आपकी तरह मोबाइल से ही देख रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे <laughs> चलिए तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है देखो फटाफट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं फटाफट बताओ ड्रप कैंस्री एजेंट कंसिस्ट ऑफ जो कि ये बहुत बेसिक सवाल है ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है ड्रप कैन श्री एजेंट के बारे में एक्सेप्ट नहीं दिया नहीं दिया है ये ना पोटेशियम साइनाइड दिया अमोनियम ऑक्सिलेड दिया है जेंटन वॉलिट दिया है ब्लेंट क्रिसाइल ब्लू दिया हुआ है बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी फटाफट बता दीजिए ड्रपकिन रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड है ना पोटेशियम फेरिसाइनाइड जल्दी जल्दी लिख देते हैं आप लोगों को पता है मॉडिफाइड जो ड्रप रिएजेंट आया है, है ना पोटेशियम साइनाइड और क्या क्या होता है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है ना पोटेशियम डाईहाइड्रोजन डायहाइड्रोजन और बताओ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट भी होता है डिस्टिल वाटर भी होता है डीएन बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है ये आपको याद रखना है ना पोटेशियम फेरिसाइनाइड पोटेशियम साइनाइड तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए स्वागत 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 सभी का स्वागत है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है बढ़िया जा रहा है भाई सब लोग अच्छी चल रही यार आप लोगों की तैयारी है ना तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है सारे के सारे कंपोजिशंस आपको पता होना चाहिए भाई किसी भी रिएजेंट्स को जब आप पढ़ते हो किसी भी टेस्ट के अंदर तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आ, कितना वॉल्यूम लेना चाहिए वो तो बहुत कम ही पूछता है नहीं पूछता है, लेकिन कंपोजिशंस तो पूछ ही लेता है ठीक है जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनके अगर रिएजेंट्स हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम उनके कंपोजिशंस जरूर पढ़ना जैसे केसर लिंग के बारे में पूछ लिया ये पढ़ लिया है ना तो सब आप जितने भी टेस्ट हैं उनके कंपोजिशंस पढ़ना कई बार एग्जाम पूछ लेता है और उनके फंक्शन भी पढ़ लेना कई बार फंक्शन भी पूछ लेता है कि वो कंपोजिशंस अगर उसके अंदर डाला गया है तो क्यों है है ना तो आपसे पूछेगा वो लोब्स इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल आर है ना न्यूट्रोफिल के लोब्स के बारे में बात किया है तो ये तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्वेश्चन आ भी चुका है मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर सेवन बता सकते हो कितने लोप्स आपको देखने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल में है ना डब्ल्यू तो आप लोग देखते ही हो गए डब्ल्यू में झारखंड डीएमएलटी का एग्ज़ाम कब होगा यार आप लोगों को बताओ आप लोग जाओ हाँ क्वेश्चन अभी इजी हैं है ना कुछ क्वेश्चन इजी हैं बाकी तो हमारे बाकी क्लासेस कितना कम से कम नाइन्टी के ऊपर क्लासेस हो गए हैं सारे क्लासेस देखो अगर आप नए हैं तो जितने भी हमारे एम सी उस क्लासेस हैं उसका पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है तो आप देखेंगे हंड्रेड के ऊपर क्लासेस हो चुके हैं ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बहुत बढ़िया भाई दो सौ पाँच जिन लोगों का आ रहा है आंसर है ना लोप्स की बात किया है तो डब्ल्यू बी सी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ग्रेनिलोसाइट और ए ग्रेनोसाइट देखने को आपको मिलता है है ना और उसमें आपको लोप्स देखने को मिलते हैं क्या चीज देखने को मिलता है लोप्स उसी से आपको पहचान में आते हैं है ना एक तो आप कलर देखते हो ग्रेन्यूल्स देखते हो और उसके बाद लोप्स देखते हो तो जो आइडेंटिफाई आप माइक्रोस्कोपी में करते हो लोप्स के आधार पर ही करते हो मल्टीपल लोप्स है तो वो आपके न्यूट्रोफिल्स है, है ना दो से पांच समझ में आ रहा है उसके बाद ईस्नोफिल है दो है ना फिर बेसोफिल है तो इस तरीके से आप लोप्स के आधार पर उनको आइडेंटिफाई आसान तरीके से कर सकते हो तो उस हिसाब से यहाँ पर दो से पांच जो दिया है करेक्ट आंसर है आगे चलें देखो बहुत आसान आसान सवाल हैं आज तो आपको लोगों को मजा आ जाएगा बोलोगे सर बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो तो कभी कभी हम आसान सवाल लेकर के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आठ ए ग्रेन्यूलर लिकोसाइड सेल एज है ना ए ग्रेन्यूलर लिकोसाइड कई लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं ना इसलिए जो तो ये मत समझना कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता और गलत कर जाते हैं ठीक है इसी में तो धोखा हो जाता है कई बार समझ आ रहा है हाँ तो धोखे में मत रहिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर आठ ना एट का आंसर बता दीजिए फटाफट सब लोग बताओ यार बहुत प्यारे बहुत प्यारे न्यूट्रोफिल स्नोफिल और बेसोफिल जितने में फिल लगा हुआ है ना याद करने का आसान तरीके जितने में फिल लगा हुआ है वो सारे के सारे क्या हैं ग्रेन्युलोसाइट है ठीक है ए ग्रेन्युलोसाइट जितने में साइट लगा हुआ है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक और है आपका मोनोसाइट है ना तो साइट वाले सारे के सारे साइड में डाल दो ये आपके हो जाएंगे एक ग्रेनिलोसाइड है हम्म लिम्फोसाइट में भी आपको पूछेगा बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल ये सारे के सारे आपके लिम्फोसाइट में आ जाते हैं तो आप तो डिटेल में पढ़े ही होगे पढ़ते आ रहे होगे कॉलेजेस में आपने पढ़ रखा होगा साइट वाले सब एक सर तो मेरे ख्याल से आंसर सब लोगों को पता है सब राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हाँ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है व्हाट इज दू नो एम सी एच है ना एम अगर आपको जानना है तो एम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा है ना तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है इसमें से ई एस आर टीएलसी प्लेटलेट्स काउंट या फिर एच क्या आपको चाहिए बताओ एम अगर आपको करना है तो कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होगी क्या आपको ई चाहिए टीएलसी चाहिए प्लेटलेट्स काउंट चाहिए एच बी चाहिए बताइए डीएमएलटी वालों के लिए वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है यार आएगा क्यों नहीं आ रहा है बीएमएलटी डीएमएलटी सब एक ही हैं यार है ना डिप्लोमा डिग्री है बस इतना फर्क है बाकी कहलाएंगे तो सब लैब टेक्नीशियन ही कई जगह पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गए हैं कई जगह पर लैब टेक्नीशियन ही समझ में आ रहा है कई लोगों को बुरा लगता है लैब टेक्नीशियन बोलते समय क्या करें भाई गवर्नमेंट ने अभी नाम को मॉडिफाई किया ही नहीं है बदला ही नहीं है तो लैब टेक्नीशियन ही बोलेंगे जहाँ चेंज हो जाएगा वहाँ लैब टेक्नोलॉजिस्ट बोल देंगे समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी सबका आ गया भाई बहुत बढ़िया हीमोग्लोबिन चाहिए है ना इनकी ज़रूरत नहीं होगा ठीक है आपको एच चाहिए या तो पी चाहिए ठीक है और एच बी चाहिए इसके अलावा दूसरा एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको एम सी एच और एम सी वी भी अगर है तब भी एम सी एच सी आप निकाल सकते हो है ना एम सी वी और एम सी एच इसकी वैल्यू भी है तब भी आप निकाल सकते हो और उसके बाद अलावा आपके पास एच बी है और पी सी भी है ठीक है तब भी आप एम सी एच की वैल्यू निकाल सकते हो फार्मूला सब लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से चलिए अगला चलते हैं थिक स् प्रिपेयर टू एग्जामिन द फॉलोविंग है ना थिक स्मियर आप इनमें से किसको एग्जामिन करने के लिए प्रिपेयर करोगे मलेरिया फाइलेरिया ट्रिपेनोसोमा या ऑल ऑफ द एबाउ क्वेश्चन नंबर दस दस का आंसर बताइए क्या होगा फटाफट फट बता दो यार बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं आज तो बहुत आसान सवाल हैं आज मैं सोचा आपको मजा आ जाए सारे के सारे आंसर देने में ठीक है तो आज मैं ज़्यादा मुश्किल सवाल आप लोगों के लिए लेकर नहीं आया बताइए क्वेश्चन नंबर दस है ना दस तक हम पहुंच चुके हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कौन है भाई कई लोगों का आंसर केवल ए आया है यही दिक्कत हो जाता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सारे लोग गलत करते हैं अभी आप, आप देख सकते हो कुछ लोग हैं जो ए पे जा रहे हैं है ना फर्स्ट ईयर अर्स्ट ईयर वाले कोई नहीं भर सकते भाई वैकेंसी हमेशा ध्यान रखना फिर मैं बता रहा हूँ वैकेंसी बहुत सारे ऐसे सवाल आप पूछते हो ना जिससे लगता है आप नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो जितना मोटा मोटा होता है हम तो समझा देते पूरा नोटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना ठीक है जब तक आपका बी एम एल टी डीएमएल कंप्लीट नहीं होगा पास आउट नहीं होगे आप किसी भी सरकारी वैकेंसी की आप उम्मीद कैसे करोगे आप खुद सोचो ना सरकारी नौकरी का मतलब होता है ध्यान से सुन लो का सरकारी नौकरी का मतलब होता है और वो भी परमानेंट हो चाहे संविदा हो उसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए होता है ऐसा आप वहां जाकर के नहीं बोल सकते वेरिफिकेशन होता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाते हैं नाम मैच किया जाता है कि आपका स्पेलिंग जो मार्कशीट में है वो फॉर्म भरते समय है या नहीं है समझ आ रहा है ये भी आप सुन लो कि सारे मार्कशीट में आपके नाम वैसे ही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किया है तो फॉर्म फिल करते समय गलती नहीं करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे नाम का स्पेलिंग मैच किया जाता है और ये नोटिफिकेशन में लिखा भी है आप पढ़ लेना पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो जो हम वीडियो बनाते हैं नोटिफिकेशन का समझ आ रहा है सारी की सारी चीज़ मैच किया जाता है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हुआ डाउट उनको कि भाई फलाना व्यक्ति का तो ये मिसमैच हो रहा है तो आपको बाहर कर देंगे हटा देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना पढ़ना अच्छी बात है बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं पढ़ते केवल है पढ़ने के अलावा साथ साथ आपको बाकी नॉलेज भी होना चाहिए वैकेंसी में फॉर्म कैसे फिल करते हैं क्या क्या सावधानी रखना है कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है सारा चीज़ तो मैंसन रहता है क्लियर है हाँ तो जिनका रनिंग होता है बी एम वो नहीं भर सकते उनका नौकरी पर कैसे जाना पॉसिबल ही नहीं है संभव नहीं है ठीक है कंप्लीट चाहिए रजिस्ट्रेशन चाहिए ना उनको तो और कई जगह पे तो एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होगा जहाँ से आप पास आउट हुए हो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है तो संभव नहीं है ठीक है तो आप आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है आपके पास डिग्री आ जाता है आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन आप अप्लाई कर सकते हो तब जाके आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो ठीक है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मांगा जाएगा वो ऑल ऑफ द अबाव है भाई मलेरिया के लिए भी फाइलेरिया के लिए भी ट्रिपेनोसोमा के लिए भी सारे के सारे के लिए आप थे इसमेयर प्रिपेयर करोगे ऑल ऑफ द अबाव राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें है ना केवल मलेरिया मलेरिया आप पढ़ लेते हो थे किसमी और बाकी चीजें भी तो पढ़ो प्रैक्टिकली है वो तो हाँ इसका आंसर क्या होगा कॉलिनिचिया इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया दैट प्रेजेंट इट सेल्फ्स ड्यू टू है ना इसका मैं इमेज लाया था वो मेरे ख्याल से इमेज इसमें अभी आया नहीं है चलिए कोई नहीं मैं आपको समझा देता हूँ ये ऐसी कंडीशन है ये क्वेश्चन देख करके आप लोग को लग रहा होगा नया है Uh, कई सारे लोगों को आप uh, गांव में जाकर के देखोगे कुछ लोगों के नाखून जो है ना स्पून शेप के हो जाते हैं चम्मच के आकार का है ना तो उस कंडीशन को बोला जाता है ये समझ में आ रहा है तो उस तरीके से हो जाता है ये तो वो किस वजह से होता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर ग्यारह में ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन बी ट्वेल्व फॉलेट उसके बाद आयरन डेफिशियंसी या मेमरिन डिफेक्ट के द्वारा होता है किसके कारण होता है ये आपको बताना है कभी आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और जिन लोगों को नहीं पता है आप चिंता मत करो विटामिन बी ट्वेल्व के कारण नहीं होगा फॉलेट के कारण नहीं होगा आयरन डेफिशियंसी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा है ना मेमरेन ये भी नहीं होगा तो ये जो कंडीशन होता है वो उसी वजह से होता है डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हो है ना नेट में भी सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये सिंपल तो देख लेना एक बार ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है खैर कोई दिक्कत नहीं इसके लिए तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में या डीप लेवल में जा कर के पढ़ना पड़ेगा बताइए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह हेरिडेटरी यूनिट्स आर कॉल्ड है ना हेरिडेटरी यूनिट्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है स्मॉलेस्ट जो हेरिडेटरी यूनिट्स होता है उसको क्या बोलेंगे जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक फंक्शन को है ना तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर कर रहे हैं आप लोग जल्दी फटाफट बताइए सब लोग बताइए फटाफट जीन जो कि सेगमेंट होता है किसका डीएनए का है ना और लोकेटेड होता है क्रोमोसोम तो ये तो ग्यारहवीं बारहवीं और दसवीं में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा है ना पढ़े ही हो गए स्वाभाविक बात है तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो जीन दिया गया है है ना तो ये आप ध्यान रखना नहीं तो थोड़े बहुत चीज़ों में आप क्या है मार खा जाओगे थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ो जो भी लाइन आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा सेंटेंस आप पढ़ो कई सारे लोग डी भी आंसर कर रहे हैं नहीं भाई जीन होता है वो है ना तो ये जो जीन होता है ये स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है कंट्रोल करता है ना और सबसे छोटी जो आपके आपकेरीडेटरी स्मॉलेस्ट हेरीडेटरी यूनिट होता है कौन सा आपका जीन उसको जीन बोला जाता है और डीएनए का क्या है ये सेगमेंट है किसका डीएनए का सेगमेंट है जीन ये भी आप सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लो ठीक है और ये कहाँ पर क्रोमोसोम पर स्थित होता है तो ये क्रोमोसोम्स जो इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स भी डीएनए भी और जीन भी लेकिन किसको क्या कहा जाता है कौन किस चीज के लिए स्पेसिफिक है वो आपको पता होना चाहिए नहीं तो ऐसे लाइन से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा आप कंफ्यूजन हो जाएंगे आंसर ही नहीं कर पाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे एक ही है नहीं ठीक है नाम अगर है सबका तो सबका काम भी अलग है काम द सेंस उनका डेफिनेशन है ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन फॉलोइंग इज एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का एपीमर इनमें से कौन सा है ये आप में डिटेल में नहीं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट वाला आप लेक्चर देखना है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का एंसर डी ग्लूकोज है ना गलेक्टोज पढ़ा है पूरा चैन बना करके मैंने फोर्थ कार्बन पे आपको बताया हुआ था उसमें है ना कि ये डी गलेक्टोज जो है आपको देखने को मिलता है कार्बन का फोर्थ पोजीशन में ठीक है पूरा मैंने डायग्राम बना करके वहां पर समझाया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है तो एक बार वो देखना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसके लिए तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप एक बार कार्बोहाइड्रेट वाला मेरा लेक्चर देखना और सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगा उसमें गलेक्टोज ऑप्शन नंबर ए ठीक है हाँ एपी मर आपसे पूछा है मर क्या होता है क्या चीज़ होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने सारा चीज़ आपको बताया हुआ है तो एक बार वो लेक्चर ये क्लास खत्म होने के बाद देखना आप ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से हाँ ये भी पढ़ा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द क्रेनियल नर्व दैट कंडक्ट्स इंपल्स ऑफ विजन एज ये मैंने क्रेनियल नर्व पढ़ाया हुआ है कितने होते हैं कोई बताएगा बताओ भाई कौन है होशियार आदमी क्रेनियल नर्व पढ़े हो कितने होते हैं क्रेनियल नर्व उनको सीक्वेंसेस में याद करना होता है अगर आपको याद है तो अच्छी बात है करना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कौन किसको कंट्रोल कर रहा है समझ आ रहा है किसी को पता है बताइए महाशय जी बताइए बहुत बढ़िया डीएमएलटी पॉइंट ने लिख दिया है कौन है भाई चौबीस लिख रहा है अच्छा हाँ आप काउंट करके बता रहे हैं ठीक है ट्वेल्थ पर हाँ यही चीज़ें हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं ना सीक्वेंसेस में आपको पढ़ना पड़ेगा ट्वेल्व और आपको सीरियल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे सीक्वेंसेस में इनको याद करना रहता है ना कभी अगर आपको सीक्वेंस पूछ लिया थर्ड नंबर पे कौन सा क्रेनियल नर्व है है ना तो इस तरीके से भी एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको उसको सीक्वेंसेस में ही याद करना पड़ेगा तो जैसे यहां पर ऑकिलोमोटर दिया हुआ है ना ऑकिलोमेटर आई की मूवमेंट में ये हेल्प करता है किसके आई के मूवमेंट में कुछ गलत हो जाए तो बता देना यार है ना सारी चीजें याद रखना पॉसिबल हमारे लिए भी नहीं है तो ऑक्लो मोटर जो दिया हुआ है आई के मूवमेंट है ना एंड प्यूपिल जो होता है उसके लिए फेसियल दिया है तो ये नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों को तो फेसियल दिया हुआ है ना तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो नहीं है फेस के मूवमेंट में और टेस्ट भी हो सकता है ऑप्टिक जो दिया हुआ है ऑप्टिक ये नाम से ही स्पष्ट है ठीक है तो यही आपके आंसर था जो ऑप्टिक दिया हुआ ये आपके किसमें विजन में ठीक है उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बताओ वेगस वेगस किसके लिए होता है कोई बताएगा आंसर पढ़ लेना यार है ना बारह के बारह सारे पढ़ लेना वेगस किसके लिए होता है कोई बताएगा जल्दी बताओ यार इंतजार कर रहा हूं मैं है ना वेगस किसी का आंसर नहीं आ रहा है भाई ऐसे कैसे काम चलेगा सब लोग सभी चीजें हम ही बताएंगे क्या एबडोमिनल ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक लाइन में अगर बात करें होगा तो बहुत सारी चीज़ें है ना तो लेकिन एबडोमिनल ऑर्गन इम्पोर्टेंट है बाकी वॉइस प्रोडक्शन स्लो विंग है ना सोइल विंग ये सारी चीज़ें आएंगे उसमें टेन वेगस नरियम्पल्स टू हाँ बहुत बढ़िया डी एम एल टी पॉइंट ने बता दिया हाँ तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप याद कर लेना है ना बाकी तो होते बहुत सारे फंक्शन हैं तो क्रीनियल नर्व जितने भी हैं उनके होते बहुत सारी चीज़ें लेकिन मैन अगर बात करोगे तो एबडोमिनल ऑर्गन जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये करेगा है ना जो मसल्स होते हैं फेरिंग्स के लेरिंग्स के थॉरक्स के एंड एबडोमिनल का स्वेलिंग का ठीक है आगे चलें तो ये पढ़ लेना क्योंकि है यार अब इम्पोर्टेंट तो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते ना टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है उसको तो पढ़ना पड़ेगा याद करने वाली चीज़ है उसमें कुछ समझने का है नहीं क्रेनियल देखो उनके फंक्शन क्या हैं सारे के सारे आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह दस सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इज ए प्रोटीन इज कॉल्ड है ना अगर सीक्वेंस में अरेंजमेंट है आपके एमिनो एसिड में प्रोटीन प्रोटीन है उसके अंदर है ना प्रोटीन मिलाकर ही बना है एमिनो एसिड से अगर अरेंजमेंट उसका सीक्वेंस में है तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाता है ये भी मैंने प्रोटीन में सारे के सारे बता हुआ है बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन का लेक्चर भी देखना क्लास के बाद है ना बहुत कम ही उन लेक्चरों को देखे हैं लोग तो एक बार देखना जल्दी बताओ यार आंसर इसका आंसर तो सब कर सकते हो बहुत आराम से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चलिए सब लोगों का आंसर आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर है है ना सीक्वेंस में अरेंजमेंट है सीक्वेंस में तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसके बाद हमने सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है एक बार वो लेक्चर देखना है ना इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना आपका समय जाया कर रहा हूँ एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको सलाह दे रहा हूँ चाहे वो कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोटीन वाला लेक्चर देखना तो बहुत और सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा है ना एडवांस चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा केवल यही बस नहीं है और भी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इसलिए मैं ये सारी चीजें अभी यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं थ्री डायमेंशन आपको कहां पर देखने को मिलता है है ना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है प्लेटेड सीट कैसे बनते हैं ठीक है ठीके? सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप देखना एक बार प्लीज वो वीडियो ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी स्ट्रक्चर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हाइपोक्सिया ज ए टर्म यूज इंडिकेट द रिड्यूस लेवल ऑफ है ना हाइपोक्सिया जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बताइए ही, हीमोग्लोबिन हेपेरिन ऑक्सीजन या ब्लड प्रेशर क्वेश्चन नंबर सोलह इसका आंसर तो सबको पता होगा चलिए भाई बताइए फटाफट बताइए सोलह का आंसर आने लगा सबका और झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल क्या है भाई रजिस्टर होना जरूरी है जरूरी है भाई लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में मेंशन है चाहिए ही तो क्वेश्चन नंबर सोलह सोलह का आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड जो कि ऑक्सीजन के लिए हाइपोक्सिया है ना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब भी बात करेगा टिश्यू लेवल में है ना तो ऑक्सीजन की कमी को जो है क्या बोल देते हैं अपन हाइपोक्सिया बोल देते हैं तो इसके टाइप्स भी होते हैं अलग अलग फोर टाइप्स के होते हैं बाकी एक शब्द होता है का मतलब बताएगा कोई क्या होता है, है? एक शब्द होता है एनोक्सिया है, है ना बाकी हाइपोक्सिया की भी अगर बात करेंगे तो ये फोर टाइप्स के होते हैं कितने टाइप्स के फोर टाइप्स के आप याद कर लेना हाइपोक्सिक तो नाम भी ऐसे हैं यार क्या बोलेंगे हाइपोक्सिक स्पेलिंग क्या होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सीमिया चलो ये याद कर लो आप बता देता हूं है ना हाइपोक्सिक हो गया उसके बाद एनेमिक एनेमिक हाइपोक्सिया लगा देना आगे ठीक है तो ये भी हो जाएगा उसके बाद स्टेगनेट स्टेगनेट हाइपोक्सिया हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप याद कर लेना है ना स्पेलिंग हो सकते हैं ऊपर नीचे मेरे तो ये चार टाइप्स के जो है आपको देखने को मिलता है एनॉक्सिया भी एक कंडीशन होता है जो कि बहुत बढ़िया निगत ने जो है आंसर कर दिया है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वेरी गुड है ना तो ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा इसमें एबसेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे एनॉक्सिया ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ा करो अगर एक शब्द आ जाता है उसी से रिलेटेड तो बाकी चीज़ें भी आप देख लिया करो हो सकता है कई बार एग्जाम में ऐसे भी आपसे ऐसे भी आपसे पूछ लें चलिए अगला क्वेश्चन देखें वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा इसका तो बच्चा भी जवाब दे देगा यार है ना हाँ क्वेश्चन नंबर सत्रह का जवाब आज बहुत आसान क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन बस हैं बाकी तो सबके सब आसान क्वेश्चन मैंने आज लेकर के आया है बताइए हाई ब्लड प्रेशर होगा हाइपरटेंशन होगा डायरिया होगा या माइग्रेन होगा क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन चलिए इसका आंसर तो बहुत आसान है डायरिया है भाई ऑप्शन नंबर सी जल्दी से आगे बढ़ते हैं से आगे बढ़ते हैं ना कोलेरा पर होगा तो डायरिया होगा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया है इन्युल इज ए पॉलीसेक्राइड दैट इज यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ द है ना इन्यूलिन जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे वो आप किस चीज के फंक्शन को चेक करने के लिए करोगे ग्लोमिरुलस का न्यूरॉन्स का हेपेटिक सेल का या ब्लड का बताइए इन्यूलिन है ना स्मॉल पॉलिसक्राइट होता है क्या होता है स्मॉल पॉलिसक्राइट लिखा भी यहां पर पॉलिसाइट ठीक है कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अठारह बताइए क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर बताइए क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, पढ़ रहे हो आप लोग <laughs> है ना इसमें जितने भी रीनल फंक्शन होते हैं ना रीनल फंक्शन चाहे वो आपका फिल्ट्रेशन हो गया है ना चाहे रीएब ऑप्शन हो गया या फिर सीक्रेशन हो गया ये सारी चीज को या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जिसको बोलते हैं तो ये सारे के चीज आप किससे से आप पता लगा सकते हो तो सबसे पहले चीज जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्लोमेरुलस है ना मतलब ये सब रीनल से संबंधित है आपके किडनी से संबंधित ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा किसका क्वेश्चन नंबर अठारह का बहुत बढ़िया अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स है ना वॉइस बॉक्स जो है किसको बोलेंगे ये भी एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा है वॉइस बॉक्स एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये भी फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में होता है ना फेरिंग्स और ट्रेकिया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बहुत बढ़िया सब लोगों को पता है भाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है है ना लैरिंग्स जिसको कि आप क्या बोलते हो वॉइस बॉक्स है ना बहुत बढ़िया सबका जवाब सही है भाई आज का आखिरी सवाल आज क्लास जल्दी खत्म कर देंगे हम है ना क्योंकि सवाल आसान है आप लोग जवाब भी बहुत फटाफट दे रहे हो और सही जवाब दे रहे हो ये अच्छी बात है कुछ लोग गलत आंसर किए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच इज़ द फॉलोइंग वैल्यू आर रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एम है ना अगर आपको एम कैलकुलेट करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ की जरूरत होगा फार्मूला तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं आपसे ऐसे ही सवाल पूछेगा है ना कि एम अगर आपको कैलकुलेट करना है एम सी सॉरी एम की वैल्यू अगर आपको चाहिए जलंधर पंजाब से मेरा एम का एग्ज़ाम टें जनवरी को है बढ़िया है भाई एग्ज़ाम की तैयारी करो एग्ज़ाम में इस बार तो यार झारखंड वाले में एग्ज़ाम का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जो बच्चे पढ़ते थे है ना कॉलेज़ में मेहनत करके हमने भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था बरकतुल्ल यूनिवर्सिटी था फर्स्ट ईयर में हमने टॉप किया था पूरे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एम के अंदर है ना और हम हिंदी मीडियम से थे समझ आ रहा है सबसे मज़े की बात तो यह है कि हम हिंदी मीडियम से होकर के और बहुत सारे लोग हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के लोग भी थे और वहाँ से हमने स्ट्रगल करके मेहनत करके और फिर बरकत यूनिवर्सिटी में टॉप किया उस समय बी जब हम करते थे तो ये अच्छी बात है हमें लगता था कि यार जब हमें एम की बात करता था है ना तो हमें लगता था कि ये परसेंटेज फर्स्ट ईयर के बाद हमें लगने लगा कि, कि किसी काम का नहीं है इतना परसेंटेज ला कर के फ़ायदा ही क्या है और हमें लगने लगा कि पास हो जाओ और बस प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा लो क्योंकि वही काम आएगा है ना फिर भी ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं किया ठीक है उसके बाद भी हमने थर्ड रैंक सेकेंड रैंक इसी रैंक में हम रहे अपने कॉलेज़ के अंदर लेकिन वो कहीं कही ना कहीं काम आता है इसलिए जो है कि आप चाहे कॉलेज में हो चाहे आप पास आउट हो गए हो पढ़ाई हर जगह आपके काम आएगा ठीक है तो आप ये मत सोचिए कुछ लोग होते हैं केवल काम सीख लेते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लेकिन थ्योरिकल नॉलेज नहीं होता है एग्जाम में तो यही काम आएगा ना समझ आ रहा है तो इसलिए जो है सब चीज़ें आपके बहुत काम की चीज़ें होते हैं हाँ भाई इसमें क्वेश्चन नंबर बीस में क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें आंसर कोई एक होगा ही नहीं है ना ये क्वेश्चन में लेकर देखना चाह रहा था मैं लास्ट क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए लेकर के आया कुछ लोग ए पे जा रहे हैं कुछ लोग सी पे जा रहे हैं कुछ लोग बी पे जा रहे हैं ए A पे भी जा रहे हैं है ना सी पे भी जा रहे हैं और बी पे भी जा रहे हैं क्या होगा भाई हैं क्या कंफ्यूजन है सर में भी इन्हीं वीडियोस में बहुत बढ़िया जल्दी बताओ किसी को फार्मूला पता है तो वो बता देगा है ना अगर किसी को फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर वो क्या बताएगा वो बताओ यार बताओ इसका आंसर जल्दी बताओ कुछ लोग कह रहे हैं ए और सी अंतु कह रहे हैं बाकी लोग बताओ दो चीजें हैं इसमें कोई एक आंसर नहीं है है ना कि आप सोचो कि एक ही आंसर है वही हो गया है कंफ्यूज करने के लिए तो मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया आप लोगों के लिए ताकि देखता हूं कितने लोग सही करते हो इसको अरे जब बोल रहा हूं भाई एमसीवी की फॉर्मूला नहीं पता है क्या आपको आर डी डब्ल्यू होगा नहीं एच बी होगा नहीं दो चीजें कौन से हैं आपके आर बी सी है ना और आपका हेमाटोक्राइट है एच सी टी ठीक है दो चीजें हैं इसमें एक तो आरबीसी है और दूसरा दूसराइट है तो सिंपल था यार एच सी टी इन टू टेन कर देते हैं अपन -सी काउंट दो चीजें तो चाहिए आपको तो ए और बी दोनों राइट आंसर है ए भी चाहिए और बी भी चाहिए इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे है ना कि यहां पर नीचे जो है ऑप्शन में आपको आना चाहिए था कि ए करके आना चाहिए था वन ए एंड बी है ना और बी ऑप्शन आना था बी एंड सी सी ऑप्शन आता था सी एंड डी और डी ऑप्शन आना था डी एंड ऐसे कुछ भी ऑप्शन बन सकते थे मैंने जानबूझ के कन्फ्यूज किया था आपको कि इसमें ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं था ताकि देखना चाह रहा था कि कौन अपना माइंड लगा सकता है इसमें ठीक है यही तो होता है बाकी कुछ लोग केवल एक ही ऑप्शन पे जा रहे थे समझ आ रहे समझदार लोग अगर करते तो बता देते कि सर हाँ ये ये है इसमें आंसर गलती बता दी है हम सर हम्म ठीक है ना तो थोड़ा सा इनके लिए क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा देख लो समझ लो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी आप ऐसे चीज़ों के लिए क्या है आप आंसर कर पाओगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा क्लियर है चलिए और कोई बात है तो आप बता दो है ना क्लास तो खत्म हो गया तो इसी तरीके से था जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ठीक है और बाकी आप लोग मेहनत कीजिए पढ़ाई पढ़ाई कीजिए अगर आपको एम सी बुक चाहिए तो आप मंगवा सकते हो जो लोग नहीं मंगवाए हैं ठीक है थीके? करना कुछ नहीं है आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए उसमें कुछ क्वेश्चन आप मत पूछिए क्योंकि मैं उसमें रहता नहीं हूँ व्हाट्सअप पे ठीक है वो केवल एम सी क्यू नोट्स के लिए है अगर आपको चाहिए है ज़बरदस्ती नहीं है समझ में आ रहा है छिहत्तर दस अड़तीस इक्यावन अड़तालीस ये नंबर है इसमें व्हाट्सअप आप करिए नंबर सही मिलाइए छिहत्तर दस अड़तीस इक्यावन अड़तालीस इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए सारी जानकारी आपको मिल जाएगा ठीक है आप ऑर्डर कर सकते हो पढ़ सकते हो आपकी ज़रूरत के लिए है वो ठीक है भाई क्लास ख़त्म करें आज का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए क्लास ज्वाइन किए आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा क्लास से ठीक है और पढ़ाई करते रहिए बस और कुछ नहीं है तो झारखंड वाले जितने भाई इस बार निकाल लो है ना मौका मिला है वैकेंसी हाथ से जाने मत दो तो इस बार चला गया तो फिर कब आएगा क्योंकि वैकेंसी हैं ये तो कब आते हैं पता नहीं चलता है है ना थैंक यू सो मच बिल्कुल यार आप कैफ़े में जाकर के भरो यार है ना वेकें जो भी फॉर्म है ताकि गलतियां ना हो आपसे मिस्टेक ना हो थैंक यू थैंक यू सो मच बाकी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो एक आध दिन लाइव आएंगे उसमें भी चलिए भाई ओके